स्कूलों में सख्त नहीं हूँ, मैं लौट भी सकता हूँ, मैं गया वक्त नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। देखो हर बच्चे का पेपर अच्छा होगा, ये मत सोचो कि मेरा अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। और बिल्कुल मत घबराना, कोई पेपर भी नहीं आता होगा ना, सपोज कोई क्वेश्चन, तो उसको आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे, दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे, सपोज दूसरी बार में नहीं हो रहा, उसको छोड़ेंगे, रिलैक्स हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो। अपनी कैलकुलेशन पर ट्रस्ट करना, रिवाइज करना, कैलकुलेशन को रिवाइज करना, थ्योरम्स के रीजन लिख के आना, ट्रायंगल का नाम लिख के आना, जहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास, वॉल्यूम एंड सर्विस है, वो तो वैसे ही वॉल्यूम है। फर्स्ट टाइम आपको पता है, फिगर आपको बनानी आती है, सब कुछ आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के अंदर आपको मेन्यू बना के आना है, फिगर, व्हाट इज स्टेप वन स्टोरी, व्हाट इज स्टेप टू मेन्यू, ठीक है, स्टेप थ्री फिगर, फिगर ये सब आगे पीछे हो सकता है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज कॉपी एंड पेस्ट, ऐसी बॉटल्स अलाउड है आपके पास ना हो तो पड़ोसी में छीन ले। ओके ठीक है जी, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी हो गया। एक रह दो नंबर का क्वेश्चन आएगा तभी गिवन टू प्रूव आएगा, कई बार गिवन के साथ टू पॉइंट होता है, तो टू पॉइंट लिख के आना है, क्या निकालना है, और लेफ्ट साइड पे मिलदार और राइट साइड पे रफ और लेफ्ट साइड पे कॉलम, क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर नंबर थ्री, क्वेश्चन लिख के नहीं आना, कि वहाँ क्वेश्चन कॉपी करना शुरू कर दो, क्लियर है। और नीचे बोल आपने क्वेश्चन करा, नीचे तीन लाइनें छूट गई, वहाँ क्वेश्चन शुरू मत करना, छोटी सी एक लाइन अगले पेज पे शुरू करना है, ठीक है जी, अपने लिए क्लैप कर दो और शुरू हो जाओ बस। बहुत बढ़िया, बिजनेस गुड लक, ऑल द बेस्ट। जैसे मीडियम का फॉर्मूला है, L1 प्लस N बाई टू माइनस C जीरो अपॉन F1 इनटू H, तो आप इतना मीडियम क्लास N बाई टू L1 उसे थोड़ा पेज भी करेगा। फिगर को ध्यान से पढ़ना, शेडेड रीजन निकालना है कि अनशेडेड निकालना है, पेरीमीटर निकालना है कि एरिया निकालना है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना, ये बात हमने बहुत बार बताई है। रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है, जो NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब आगे सिमिलर ट्रायंगल, आपका फेवरेट चैप्टर, एक क्वेश्चन आएगा आपका एक नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा तीन नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा चार नंबर वाले में, चॉइस आने की पूरी कोशिश है, आपको थ्योरम पे विश्वास रखना है। कई बार क्या होता है, ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लिखी होती है और लिखा होता है प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस, तो आपको कन्वर्स करके आनी है, और कई बार कन्वर्स की स्टेटमेंट लिखी होती है प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस, तो कौन सी करके आनी है, पाइथागोरस, और कई बार कुछ भी लिखा होता है प्रूव इट, और कई बार आई डबल एफ होगा तो इफ एंड ओनली इफ, जो गिवन है उससे प्रूफ पे जाएंगे और जो प्रूफ होगा उससे गिवन, दोनों करना है, बाई डायरेक्शनल होगा वो। हाँ ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। अच्छा टेक्नोमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चन कई लोगों ना, कई लोग कसम खा लेते हैं कि मैं NHS से RHS करके आऊंगा, तो वहाँ कसम कुसम मत खाना, आधा आधा कर लेना, थोड़ा NHS ना हो रहा हो तो ऐसे कई लोग कसम खा लेते हैं, नहीं तुम भी आ रहे हो तो दोस्तों देखो, ये जो आपकी मोटिवेशन है वो आपके साथ चलेगी। टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री में आपको पता है 4-3-7, 4-3-2-1 10 नंबर का है, लेकिन पैटर्न 7 नंबर का फॉलो कर रहा है आजकल, तो कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन 4 का आएगा, INT वाला आ जाएगा, या वो लंबे वाला क्वेश्चन भी आता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो रहे हैं, वो ऐसे है साइन इंटू कोसेक, ओनली साइन इंटू कोसेक 1, बट आपको रीजन लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइड पे, आपको रीजन लिख के आना। आप ये मानते चलो टीचर जो पेपर क्वेश्चन अल्फा में आया तो INT थीटा में साइड पर, वर्किंग नोट जिसे बोलते हैं हम, फिर आए थे हम हाइट एंड डिस्टेंस पे, हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, वो आपको आता होगा, सबको पता है, सबको एक एक क्वेश्चन तो आता है ना एक्सप्लेनेशन में, वही आएगा बस, वही आएगा। हाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जैसे आपका ए बी हाइट ऑफ टायर है, अच्छा अब आपने यहाँ लिख दिया ए बी हाइट ऑफ टायर और फिगर में ए बी लिखना भूल गए, वो नहीं लिखना, आपको फिगर में जो जो मेंशन करा है, आपने एंगल वन मेंशन करा है तो आपको एंगल वन लिखा, ज्योमेट्री है वहाँ पे आपको रीजन लिख के आने हैं, स्टेटमेंट लिख के आनी है, किसी क्वेश्चन में BPT दो बार यूज हो रही है तो वहाँ पे एक बार BPT की थ्योरम लिखेंगे और एक बार लिखेंगे सेम एज अबव बाय BPT, अदरवाइज आप अलग से स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने सारे आंसर्स को हाईलाइट करके आना।